पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो बेसिकली नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, इस चैप्टर में हम नंबर से रिलेटेड जितनी भी ऑपरेशन है, जितनी कैलकुलेशन है, जो भी जिसे है वो हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो फर्स्ट पे है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। इस पॉइंट को याद रखना, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब सेकेंड है हमारा होल नंबर। होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये हमारे सारे क्या है, होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। अब आते हैं थर्ड, इंटीजर पे। तो इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटीजर की क्या रेंज होती है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। यानी कि जो नंबर है वो इनफाइनाइट पोजीशन पे माइनस में भी हो सकता है और इनफाइनाइट पोजीशन में पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी प्लस का भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और ये होता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जिसमें इसका डिनोमिनेटर क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पी और क्यू क्या होंगे, जेड यानी कि इंटीजर। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को, इसमें डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और पी एंड क्यू हमारे इंटीजर होने चाहिए। ये मैंने उस कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर बिल्कुल रेशनल नंबर के अपोजिट होते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं ताकि आप आसानी से समझ सके। रूट टू यानी कि जो भी रूट में नंबर्स होते हैं, मान लो √3 है, √39 है, जो भी नंबर है वो सारे हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर है। यानी कि हम उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और जितने भी हमारे रिपीटिंग नंबर है, जैसे कि 7.77777, अब ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, बहुत आगे तक जा रहे हैं, ये हमारे इसको कोई हमें इसकी कोई रेंज नहीं पता है, यानी कि यहाँ पे भी आगे भी ये है, तो हमें इसकी कोई रेंज नहीं पता है, तो ये क्या है, कि इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हमारा आता है सिक्स्थ लास्ट, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब मान लो कोई है, जैसे कि रेशनल नंबर है, यानी कि 2/3 मान लो ये कोई रेशनल नंबर है, प्लस √7, तो ये हमारा पूरा क्या हुआ, एक हमारा रियल नंबर हुआ है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया आपको रियल नंबर का, इसमें क्या होगा, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, यानी कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन से, यहाँ पे माइनस ही हो सकता है, अगर माइनस √7 हुआ तो यहाँ पे माइनस का साइन हो सकता है, इसलिए कंपल्सरी नहीं कि यहाँ पे प्लस हो। मतलब मैंने समझाने के लिए बताया है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के हमारा बनता है रियल नंबर। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक नंबर लाइन पे। ठीक है, तो आपने नंबर लाइन के बारे में पहले ही पढ़ा होगा। नंबर लाइन पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स। क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर लाइन पे, इंटीजर्स। ठीक है, तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें एक लाइन दी हुई होती है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसमें जो सेंटर पॉइंट होता है वो तो हमारा होता है 0। ठीक है, और 0 के राइट हैंड साइड में तो हमारे आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसका मैंने एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है। देखो, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये बिल्कुल एक काइंड ऑफ स्केल है, इसमें सबकी डिस्टेंसेस इक्वल होती है, सबके बीच में जो डिस्टेंसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो इधर बीच में सेंटर में 0 है, राइट हैंड साइड के नंबर सारे पॉजिटिव हैं, लेफ्ट हैंड साइड के सारे नंबर नेगेटिव हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के नंबर है, राइट हैंड साइड में प्लस के नंबर है, तो ये हमारी हो गई एक नंबर लाइन। अब मुझे किसी ने बोला कि इसमें -1 मार्क करो, तो -1 हमारा कैसे मार्क करेंगे, इसमें हम ले रहा हमारा -1, तो हम ये हमारा -1, तो हम इसे सर्कल कर देंगे, ये हमारा पॉइंट है -1, हमें रिप्रेजेंट करना था -1 को नंबर लाइन पे। ठीक है, अब इसी तरह से कोई और नंबर आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे, मान लो अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर आ गया, फ्रैक्शन में कोई नंबर आ गया, जैसे कि मान लो 1/2 आ गया।
ठीक है, 1/2 आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 यानी कि 1 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। 0.5 और 0.5 का होता है 0.5, तो कहाँ आएगा, 1 और 0 के बीच में। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा, 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें फ्रैक्शन में नंबर दिए हुए होते हैं तो हम उनको डिवाइड करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसके और भी एग्जांपल्स लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। इसका मतलब हमें किन्हीं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में से रेशनल नंबर निकालने होंगे। ठीक है, तो इसके भी 3 केसेस होंगे, इस चीज के भी 3 केसेस होंगे। पहला केस है कि जब हमें उन दोनों के रेशनल नंबर्स के बीच में से सिर्फ एक एग्जैक्टली बीच में जो है, सिर्फ एक जो एग्जैक्टली बीच में है वो निकालना होगा, वो रेशनल नंबर निकालना होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ए और बी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे उनके एग्जैक्टली बीच में। कहने का मतलब ये है कि ए और बी दो नंबर्स हैं जिसमें कि ए इज स्मॉलर देन बी। ठीक है, अब इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में जो नंबर रेशनल नंबर आएगा वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ बोथ द नंबर्स अपॉन 2, तो हमें वो रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा जो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, फाइंड द रेशनल नंबर एग्जैक्टली बिटवीन 3 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर a=3 एंड b=9, यानी कि यहाँ पे a तो 3 मान लिया हमने, ठीक है, और b 9 मान लिया। अब ये वाले फॉर्मूले में हम दोनों ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 + 9/2 कितना आएगा, 3 + 9 12 upon 2 क्या आ गया हमारा, 6। यानी कि 3 और 9 के एग्जैक्टली बीच में कौन सा रेशनल नंबर आया है हमारा, 6। अब हमारा सेकेंड केस, टू फाइंड ओनली 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन द 2 गिवन रेशनल नंबर, यानी जो हमें रेशनल नंबर दिए हुए हैं उनमें से सिर्फ हमें बिटवीन के 2 निकालने हैं, यानी कि बीच के 2 नंबर्स निकालने हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 and 5/3। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, देखो अब हमें क्या दिए हुए हैं, 3/4 and 5/3। तो हम इस केस में क्या करेंगे, जो दोनों फ्रैक्शन में हमें रेशनल नंबर दिए हुए हैं उनके डिनोमिनेटर हम सेम कर लेंगे। ये तो होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, हम उनके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो कैसे सेम करेंगे, 3/4 × 3/3 एंड 5/3 × 4/4। ठीक है, कैसे सेम होंगे डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों बोला मैंने, यानी कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। इसलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड दिया 3 का इधर और इधर मल्टीप्लाई डिवाइड दिया हमने 4 का। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, 3 × 9 upon 12 and 20 × 5/4 = 20 upon 12। अब हमें कितने चाहिए, 2 रेशनल नंबर्स। तो आप इसके इन दोनों के बीच में से कोई से भी 2 रेशनल नंबर बता सकते हो, जैसे कि 9/12 के बाद कौन सा आएगा, 9 के बाद 10/12 11/12 एंड सो ऑन अप टू 19/12। ओके, अब इनमें से कोई भी आप 2 रेशनल बता सकते हो, यानी कि एक 10/12 और एक 11/12 हमारे रिक्वायर्ड 2 रेशनल नंबर हैं जो हमें इन दोनों के बीच में से निकालने। ठीक है, अब आते हैं अपने थर्ड केस पे। अब है ये हमारा थर्ड और लास्ट केस। ठीक है, तो इसमें क्या है, टू फाइंड एन नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन द 2 रेशनल नंबर। अब एन नंबर ऑफ रेशनल नंबर का मतलब है यहाँ पे कोई डिफाइंड डिजिट नहीं होगी, आपको कुछ भी दे दिया जाएगा एन की जगह पे, 1, 2, 3, 15, 200, 300 कुछ भी दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो आप देखो ये वाला एग्जाम्पल करके समझेंगे आप, फाइंड 15 रेशनल नंबर्स बिटवीन 11.1 एंड 13.1। ठीक है, अब हमें 2 रेशनल नंबर
दिए हुए हैं 11.1 एंड 13.1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कर देंगे मतलब इनका डेसिमल रिमूव कर देंगे। ठीक है, इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में ले आएंगे, रेशनल नंबर की फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ले आएंगे हम। ठीक है, तो इसका हमने अगर डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे टेन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका अगर हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे टेन आ जाएगा। तो हमारे पास कौन कौन सा नंबर हो गया, 111/10 एंड 131/10। अब इनके बीच में से 15 रेशनल नंबर हमारे क्या होंगे, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। ठीक है, इनके बीच बीच में से कौन कौन से रेशनल नंबर आएंगे, 112/10, 113/10, 114/10, 115/10, ऐसे ही हमारे सारे रेशनल नंबर होंगे 130/10। ठीक है, तो आप इनमें से कोई से भी 15 लिस्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल और लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इंसर्ट 100 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/8 एंड 1/2। तो आपने ध्यान दिया इधर इंसर्ट लिखा है, यानी कि हमने इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में 100 रेशनल नंबर्स पुट करने हैं, यानी कि इंसर्ट करने हैं। ठीक है, इंसर्ट का होता है पुट। ठीक है, तो हमें क्या रेशनल नंबर रखे, -5, ध्यान देना -5/8 है ये, -5/8 एंड 1/2। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या सीखा था उसमें, कि डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, डिनोमिनेटर को हमें सेम बनाना है। तो कैसे करेंगे, -5/8 मल्टीप्लाई बाय 2/2 एंड 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8/8, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड दे दिया। ठीक है, अपोजिट डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई डिवाइड दे दिया। अब क्योंकि मुझे ये हंड्रेड्स में चाहिए ये डिजिट, ठीक है, ताकि ये मल्टीप्लाई करके हंड्रेड्स में आ जाए, डिजिट हंड्रेड्स में आ जाए, सिर्फ टेन्स तक ना रहे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं 10 बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 16 बन रहा है। ताकि ये टेन्स तक ना रहे, मुझे हंड्रेड्स में लानी है, ताकि मैं उसमें 100 रेशनल नंबर निकाल सकूं। ठीक है, 100 नेशनल नंबर निकाल रहे हैं, इसमें मुझे हंड्रेड में इनको लाना पड़ेगा, इनके मल्टीप्लीकेशन के आंसर को। इसलिए क्या करूंगी, 20 से और 80 से कर दूंगी, यानी कि एक मैं जीरो ऐड कर दूंगी इन दोनों के आगे, जिससे कि ये हंड्रेड में आ जाए। ठीक है, तो इन दोनों का क्या रिजल्ट आएगा, -100/160 और इसका क्या रिजल्ट आएगा, 80/160। इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा, 80/160। ठीक है, अब एक चीज देखो, न्यूमरेटर पे ध्यान देना, समझने के लिए न्यूमरेटर पे ध्यान देना, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में 100 पुट करने हैं, 100 रेशनल नंबर पुट करने हैं। तो न्यूमरेटर पे ध्यान दो, पहले 100 है, उसके बाद -99, ऐसे ही -98। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स में जो पहले आता है वो हमारा बड़ा वाला होता है। ठीक है, ऐसे ही -1, फिर 0, उसके बाद में 1, 2 से लेके 80 तक, इसी तरह से 1, 2, 80। मैं एक बार बता देती हूँ, नीट नहीं है थोड़ा, देखो -100 हमें दिया हुआ था, हमें न्यूमरेटर में फोकस करना था, -100 के बाद में -99, -98, यानी कि नंबर लाइन की तरह हमें से हम ग्रेटर देन वाले साइन यूज करके, ग्रेटर देन लेस देन वाले साइन यूज करके हमें से शो करना है। ठीक है, उसके बाद में आया 0, 1, 2, फिर उसके बाद डॉट डॉट डॉट, उसके बाद में 80। ठीक है, यानी लास्ट में 80 है, तो हम इसे और कैसे शो कर
कर सकते हैं, इसे और किस तरह से शो कर सकते हैं हम? देखो माइनस 100 अपॉन 160, ठीक है। इसके बाद में क्या आया था हमारा, माइनस 99, है ना। तो माइनस 99 कॉमा माइनस 98 100 डॉट डॉट माइनस 1 0 1 डॉट 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 माइनस 80 अपॉन 100। तो इसके बीच में हमारे कितने आ गए, हंड्रेड्स ऑफ रेशनल नंबर आ गए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, हमें कोई एक फ्रैक्शन दिया हुआ होगा, हम उसे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके सिंप्लीफाई करके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक्सप्रेस 3/8 इन डेसिमल फॉर्म बाय डिवीजन मेथड, यानी कि 3/8 को हमें पॉइंट पे लिखना है या फिर डेसिमल फॉर्म में लिखना है लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 को 8 से डिवाइड करेंगे, हाँ 3 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि इस तरह से देखो, ठीक है, अब 3 को 3 कैंसिल नहीं हो सकता, 3 डिवाइड नहीं हो सकता डायरेक्टली। तो हमें पॉइंट लगाया, हमने यहाँ 0 ऐड करा, 8 3 24, कितना बचा 6। यहाँ हम डायरेक्टली 0 ऐड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक डिजिट पे पॉइंट के बाद हमने एक डिजिट यहाँ पे लगाई हुई है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नियरेस्ट कौन सा नंबर है 60 के, कौन सा नंबर है, तो 8 7 56, कितना बचा 4, 0 लगाया, 8 5 40, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर क्या आया है, 0.375। यानी कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 3/8 को हम किस वे में लिख सकते हैं, 0.375, यानी कि ये इसकी डेसिमल फॉर्म हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। इससे पहले हमने क्या समझा था कि हम p/q की फॉर्म से हम डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। हमने इसको डिवाइड कर देखा, फिर हमें हमारे डेसिमल फॉर्म आ गई थी, ठीक है। अब हम इसका अपोजिट करेंगे, इस मेथड का बिल्कुल अपोजिट करेंगे। हम क्या करेंगे, अब हम डेसिमल से p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक इससे पहले दो टर्म समझनी होगी, वो हमने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ी है। पहली है टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये दो टर्म्स है अपने पास में, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो यहाँ पे हम डेसिमल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। आप जैसे देखो, ये देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, जो एक पॉइंट के बाद जिनकी डेसिमल वैल्यू खत्म हो जाती है, यानी कि जैसे मान लो 2.382, बस इसके आगे मैंने कोई डॉट 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 नहीं लगाई, कोई मैंने किसी के ऊपर बार नहीं लगाई, ठीक है। यानी कि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि एक लिमिट पे स्टॉप हो गया, ये एक फाइनाइट प्लेस पे स्टॉप हो गया, यानी कि लिमिटेड प्लेस, यानी कि 3 डिजिट्स के पॉइंट 3 डिजिट बाद ये खत्म हो गया, तो इसलिए टर्मिनेटिंग है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रे करेंगे तो उसके लिए इसकी क्या कंडीशन होंगी, सबसे पहले तो वो नंबर, उस नंबर की कोई लिमिट नहीं होगी, यानी कि वो इन्फिनाइट तक होगा। मान लो जैसे कि 3 8 2 1 7 9 ... आगे हमें नहीं पता कि इसकी क्या लिमिट है, ये आगे कहाँ पे जाके खत्म होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लो हमें नंबर दिया हुआ है 2.26 और 6 के ऊपर बार है, 6 के, यानी किसी के भी नंबर के ऊपर बार होना मतलब वो बार बार रिपीट होगा,
इनफाइनाइट पोजीशंस तक, यानी कि 6 6 6 6 ये बहुत सारी पोजीशंस तक रिपीट होगा। तो ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अब हमारा ये होता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, यानी कि मिक्स मतलब इसी का पार्ट है वो। मिक्स मतलब जैसे कि 0.38291, अब 8291 पे है बार, यानी कि 8291 8291 8291 8291 बार बार यही चीज रिपीट होगी, 8291 यही चीज रिपीट होगी। ठीक है, इसका मतलब होता है मिक्स्ड रिकरिंग। ठीक है, ये कोई खास टर्म नहीं है, बस आपको याद रखने वाली चीज है। तो इसी के ऊपर हमारी वाली जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो सारे बेस्ड होंगे। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, देखो क्या है। अब हमारे पास क्या नंबर दिया हुआ है 0.6 बार। ठीक है, उधर मैंने जो भी नंबर लिखे हुए हैं वो सारे क्या है, एक डिजिट छोड़ के फिर बार है इनमें। यहाँ पे 8 से बार है, यहाँ पे ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद कंटिन्यू हो रहे हैं नंबर। ये इसका सिंप्लीफिकेशन था। ठीक है, यहाँ पे भी 3 के बाद शुरू हो रहे हैं सारे नंबर्स। अब हमारे क्या है कि पॉइंट के बाद अगर किसी नंबर में बार है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर पॉइंट के एक डिजिट छोड़ के किसी के ऊपर बार है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर है उसके बार है, इसमें पॉइंट के एक नंबर छोड़ के जब अगर बार शुरू होगी तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या है, शो दैट 2.31296 इज अ रेशनल नंबर, यानी कि जो हमारे डेसिमल फॉर्म में जो नंबर दिया हुआ है ये, इसको हमें रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जिसमें पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इसका इस तरह से लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन फॉर्म में 2.31296। ठीक है, अगर हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे, यानी डिनोमिनेटर की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा ये, तो यानी कि सो अभी क्या हुआ, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, जिसमें कि क्यू जीरो नहीं है, हमारी सारी सिचुएशन सेटिस्फाई होती है, हमारी सारी सिचुएशन में सेटिस्फाई होती है। ठीक है, अब हमारे सेकंड टाइप का क्वेश्चन, शो दैट 0.6666, इसके आगे डॉट डॉट भी लगेंगे, यानी कि 6 बार। ठीक है, हमें इसकी कोई फाइनाइट प्लेस नहीं पता कि ये कहाँ पे खत्म हुआ, कहाँ पे किस डिजिट पे जाके, कितने नंबर्स पे जाके ये 6 खत्म हुआ। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी कि हमें ये टर्मिनेटिंग नंबर दिया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दिया हुआ है, सॉरी टर्मिनेटिंग नंबर दिया हुआ है, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे ये हमारे पास क्या है, बार। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग नंबर है, इसको हमें रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। रेशनल नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिसमें पी और क्यू इंटीजर्स है और क्यू जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो दिया हुआ है 0.6, तो हम इसको सपोज कर लेंगे x, लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार, बार को नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये अपनी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाना है। उसके बाद हमें देखना है, हर क्वेश्चन में ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है बार के नीचे, इस चीज पे ध्यान देना कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स, यानी कि इसमें तो एक डिजिट है बार के नीचे, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी क्वेश्चन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 में क्या होता है, सिंगल जीरो। अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास होता 6 8 बार फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे दो डिजिट हो जाती, तो हम क्या करते, इस पूरी क्वेश्चन को 100 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, इसी तरह से अगर एक और डिजिट होती बार के नीचे, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते, इस पूरी क्वेश्चन को 1000 से मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ से। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये लाइन लिखेंगे, सिंस ओनली वन डिजिट इज रिपीटेड, सो वी विल मल्टीप्लाई
ठीक है, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6 बार क्या होगा 10x इक्वल्स टू, अब 10 को 0.6 बार से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा एक बार देखो 0.666 इस तरह से है। ठीक है, अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल किधर शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड में, एक पॉइंट राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ट्रिक एक तरह से ट्रिक कह सकते हैं इसको कि 0.6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इधर ही शिफ्ट हो जाएगा ये क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 6.6 बार। ओके, तो ये हमारी हो जाएगी वाली सेकेंड इक्वेशन। ओके, ये वाली हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सेपरेट करेंगे यानी कि सेकेंड माइनस वन। ठीक है, सेकेंड माइनस वन तो क्या आएगा, देखो ये LHS है, इसकी LHS ये है, फर्स्ट इक्वेशन की LHS ये है, तो LHS में से LHS माइनस करेंगे तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू, अब RHS में से RHS तो ये है हमारी RHS 6.6 बार माइनस 0.6 बार। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 9x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा 100 10x माइनस x कितना आएगा 9x 9x इक्वल्स टू देखो 6.6 बार और 0.6 बार इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बार से 6 बार कैंसिल हो जाएगा, अपने पास कितना बचा 6 बचा तो 9x इक्वल्स टू 6 x इक्वल्स टू 6 अपॉन 9 तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 अपॉन 3 यानी कि x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे सपोर्ट किया था कि लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार वो हमारी आई है 2 बाय 3 यानी कि इसका हमने p अपॉन क्योंकि फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंटेशन किया 2 अपॉन 3 यानी कि 0.6 बार इस तरह से ले सकते हैं इसको। देखो 0.6 बार इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड चीज थी, हमें इसको रेशनल नंबर की टर्म्स में कन्वर्ट करना था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।